मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो हैं, गैस की आप कीमत देख लें या दूसरी चीज़ें को देख लें, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, एवरीथिंग द प्राइस इज वेरी हाई राइट नाउ। अमेरिकन हाउसहोल्ड्स कई मंथ से इन्फ्लेशन में उतार चढ़ाव की वजह से स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। US कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस पिछले साल के कंपैरिजन में 6.2% बढ़ चुकी हैं और इस सर्ज से फूड गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1990 से हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखा जा रहा है। रिटेल इंडस्ट्री ओनर्स मानते हैं इस साल इन्फ्लेशन कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर सिचुएशन कंट्रोल होने के लिए होपफुल भी हैं। आफ्टर कोविड आपको पता है कि यू नो मार्केट में हर चीज़ शॉर्ट थी, तो अभी हर किसी को सामान चाहिए, तो जब रिक्वायरमेंट 200-300% बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली चीज़ों पे इस पर असर पड़ता है। जिस तरह से प्राइजेज बढ़ी हैं मार्केट्स में, अगर हम वो प्राइजेज यहाँ पर कस्टमर्स को दें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वी ट्राई अवर बेस्ट के इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। आई डोंट सी के इन द 6 महीनों में कोई ज़्यादा असर पड़ेगा, बिकॉज यू नो चीजें सही होने में टाइम लगेगा। फैमिलीज और बिजनेस ओनर्स पहले ही अपनी थिंकिंग को एडजस्ट कर चुके हैं कि एक्सटेंडेड पीरियड तक अनकंफर्टेबल इन्फ्लेशन रहेगा, इसीलिए जहां अफोर्डेबल चीज मिलती है वहां शॉपिंग की जाती है। The prices of the food are increasing, developing more. Completely, yeah. I'm satisfied with the prices. The vegetables and the fruit are higher. Meat products are higher. So we shop here for some of that stuff to save money. Rising food prices, gas और rent costs ने low और middle income Americans के budgets को बुरी तरह से affect किया है। यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त अनकंफर्टेबल इन्फ्लेशन इरा से गुजर रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि इस साल फूड प्राइस हाई कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आइंदा साल में इन्फ्लेशन रेट और प्राइसेस कंट्रोल होने की उम्मीद भी है। मदीहा मसूद, NTV, ह्यूस्टन।